लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा मिथ्स के बारे में और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। टेस्टिंग जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। टेस्टिंग हम कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के टेस्टिंग करेंगे सॉफ्टवेयर की। अब आप ये सोचोगे कि टेस्टिंग में भी प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है, तो ये सोचते हैं प्रिंसिपल्स इसलिए जरूरी है ताकि जो काम है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हो, जो काम है वो एक डिसिप्लिन में हो। हमको कुछ सिद्धांत फॉलो करने हैं ताकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें हमारे काम से मिले, इसलिए टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। तो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देयर आर सेवन प्रिंसिपल्स। सेवन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी, शोज प्रेजेंस ऑफ एरर्स, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। ओह बाप रे, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा। आइए इसके थोड़े और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि हर एक प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है और हर प्रिंसिपल हमको किस तरीके या क्या अप्रोच देता है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। तो हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ बग्स। हाँ सही बात है, हम कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ बग्स दिखाता है, राइट? कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, जब भी हम टेस्ट करते हैं हमको तो डिफेक्ट्स मिलते ही है। तो इसके कारण हमें क्या, ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इसलिए हमें टेस्ट केसेस जो डिजाइन करने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको टेस्ट केसेस काफी ध्यान में रख के डिजाइन करने पड़ेंगे जिसके हेल्प के कारण हमको ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट मिले। सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इम्पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ डेटा एंड सिनेरियोस। मतलब हम लोग एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट के बिलिंग का वापस से। अब एक पर्टिकुलर वैट रखा हुआ है तो हम लोग ये हर बार नहीं देखेंगे कि 1000 रुपीज पे कितना वैट हो रहा है, 12000 रुपीज पे कितना वैट हो रहा है, 15000 पे कितना वैट हो रहा है। अगर ये करते जाएंगे तो पता नहीं टेस्टिंग खत्म होगी भी या नहीं, राइट? तो ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इसी रीजन के लिए हमको जो रिस्क प्रायोरिटीज है, जो रिस्क है वो हमें चेक करना है और उसका क्या आउटपुट आ रहा है उस हिसाब से हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। अर्ली टेस्टिंग यानी कि हमको टेस्टिंग बहुत ही जल्दी शुरू कर देना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि जल्दी कैसे करें जब उसके हमारे एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुई है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी एप्लीकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही हो तो तभी से ही हम टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम देख सकते हैं, उसकी जो डिजाइन है वो देख सकते हैं और वहीं से टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है कि क्या ये डिजाइन सही है, क्या ये डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें जो मॉड्यूल्स बताया, क्या मॉड्यूल्स का इंटरेक्शन सही है, वो सारी की सारी जो चीज है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हम कंसिडर करेंगे अर्ली टेस्टिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब भी सॉफ्टवेयर हो खत्म उसके बाद ही हम टेस्टिंग करें। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग फेज में भी हो सकती है और यही ये प्रिंसिपल हमसे कहता है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ज्यादातर रिपोर्ट किए हुए डिफेक्ट्स एक स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल में होते हैं। इसका मतलब स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कंटेन्स द मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स इन द सिस्टम। एक छोटा सा मॉड्यूल जिसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स छुपे हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे लॉगिन मॉड्यूल का, कि लॉगिन मॉड्यूल्स में इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं कि कहीं ना कहीं अगर कुछ कॉम्बिनेशन छूट जाए तो बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, राइट? तो इसके अंदर भी एक प्रिंसिपल है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग तो प्रिंसिपल है ही, पर इसके अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन 20% ऑफ द मॉड्यूल्स। मींस एक छोटे से मॉड्यूल में 20% ऑफ मॉड्यूल, एक सिस्टम का 20% ऑफ मॉड्यूल जिसमें 80% ऑफ इश्यूज आ रहे हैं, दैट्स व्हाट डिफेक्ट क्लस्टरिंग इज। आइए देखते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स प्रिंसिपल क्या कहता है। सेम टेस्ट केस में जो एप्लीकेशन के वर्जन 1 में बनाए थे वही मैं सेम टेस्ट केस रन करता हूँ एप्लीकेशन 4 के वर्जन में, तो क्या हम बग मिलेंगे? नहीं। आइए एग्जांपल था व्हाट्सएप का। जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ वर्जन 1 तब हमने टेस्ट केस बनाए थे, आज उसका वर्जन 4 है फिर भी हम वही टेस्ट केस यूज कर रहे हैं, तो क्या हमें नेट इफेक्ट मिलेंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ना ही हम हमारा टेस्ट केस अपग्रेड कर रहे हैं जो व्हाट्सएप के वर्जन के साथ अपग्रेड होना चाहिए, और ना ही हम उस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं कि उसके ओएस के साथ, जैसे मोबाइल में ओएस है, अभी एंड्रॉइड की लॉलीपॉप से मार्शमेलो हो गया, सिमिलरली आईओएस 8 से आईओएस 9 हो गया। तो अगर हम वही के वही टेस्ट केस सिमिलरली रन करेंगे तो हमें कोई भी नए डिफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, मतलब ये
प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर मैं टेस्टिंग मेडिकल सॉफ्टवेयर की करूं और वही सेम टेस्टिंग मैं गेम सॉफ्टवेयर की करूं तो दोनों की टेस्टिंग अलग रहेगी, इजंट इट? क्योंकि मेडिकल सॉफ्टवेयर में हमें क्या देखना है, ये देखना है कि मेडिकल सॉफ्टवेयर के जो भी कैलकुलेशन है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही रिलायबल होने चाहिए। एक छोटा सा डेसिमल का पॉइंट ड्रग्स में बहुत ही बड़ा नुकसान दे सकता है, राइट? और गेम्स में हम क्या देखेंगे कि गेम्स की जो भी टेस्टिंग है क्या वो हार्डवेयर के ऊपर चल रही है, क्या वो पर्टिकुलर रैम उसको नीडेड है, क्या पीसी को तो हैंग नहीं कर रही है, उस तरीके के अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज हम देखेंगे गेम में। तो अगर हम सिंपल वे में बोले कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्या है टेस्टिंग, तो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन उसकी टेस्टिंग अलग अप्रोच में होगी, और जो ट्रैवल की वेबसाइट है जैसे मेक माई ट्रिप है yatra.com है उसकी टेस्टिंग एक अलग तरीके से होगी। दिस इज व्हाट टेस्टिंग मींस इन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अगला प्रिंसिपल है एब्सेंस ऑफ एरर फॉलेसी, मतलब टेस्टिंग तो किया लेकिन हमें एरर ही नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है या आपकी टेस्टिंग अच्छी नहीं है, राइट? देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी हमने टेस्टिंग तो की पर हमें सॉफ्टवेयर में इश्यूज नहीं मिले, क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि सॉफ्टवेयर शिपिंग करने के लिए रेडी हो गया, सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर द कस्टमर्स टू यूज, नहीं। तो हम इसको कैसे सुधारेंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर टेस्ट केसेस से हमको कोई इश्यूज नहीं मिल रहे तो हमारे टेस्ट केसेस उस हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट्स कैच कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट केस को अपग्रेड करेंगे, हम वापस से रिक्वायरमेंट्स देखेंगे सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे अलग तरीके से एक अलग अप्रोच से टेस्ट किया जाए, और उस तरीके से हम टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर को। तो अगर सॉफ्टवेयर में इश्यूज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर इज रेडी टू शिप, इसका मतलब यही है कि हमें वापस हमारे टेस्ट केसेस उनको रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे बेसिक टर्म्स जो कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज करते हैं